महानगर में जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा संचालित होने वाली है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का लुफ्त इसी साल मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले बसों के ठहराव स्थल बनाया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शासन ने गोरखपुर शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। हालांकि नगर निगम इसके लिए रूट तैयार करने में जुटा है। वहीं बसों की चार्जिंग के लिए जंगल बहादुर अली महेसरा में 1 एकड़ 71 डिसमिल में चार्जिंग प्वाइंट और स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है, जो अप्रैल में पूरा होने की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, देखिए, प्रसन्नता का विषय है कि महानगर गोरखपुर के निवासियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, और इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से एक तरफ वातावरण में जो पॉल्यूशन कम होगा और दूसरा सिटी बस की सुविधा महानगर निवासियों को मिल पाएगी। ये सिटी बस के तौर पर इलेक्ट्रिक बसें सिटी बस के तौर पर चलाई जाएंगी तो महानगर सीमा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई स्थान न छूटे, ऐसे इनका रूट तय किया जाएगा। अभी रूट तय नहीं किया गया है, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सभी प्रमुख स्थलों से होकर गुजरेंगी ये बसें, और जिससे यहाँ के निवासियों को अधिकाधिक लाभ दिया जा सके। सर, कब तक चलने की उम्मीद है? अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल में इन बसों के चलने की पूरी उम्मीद है।